सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आज का एपिसोड इस बात पर आधारित है कि अक्सर बातें और सामान भूलने का कारण होता है दिमाग की कमजोरी। तो इसको कैसे दूर करके और दिमाग को तेज बनाया जाए, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी इसी बारे में पूर्णतः जानेंगे। इसीलिए पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखें। हम सभी किसी एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो कई साल पहले हुई घटना, जगह या किसी का नाम कभी नहीं भूलता है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक सप्ताह हुई पहले की घटना को याद करने में भी बहुत मुश्किल होती है। इसकी मुख्य वजह हमारी रोजाना की गतिविधियां, जो हमारी याददाश्त को तेज बनाती हैं। भले ही आप चीज़ों को याद करने में कोई ज्ञाता न हो, लेकिन जीवन शैली में महज कुछ बदलाव आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकता है और लंबे अरसे तक चीज़ों को याद रखने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके दिमाग को नई जानकारियां जुटाने में ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। अपनी चाबियों को एक निश्चित स्थान पर रखने जैसे छोटी चीज़ों के सहारे आपको अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी की अन्य चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त रखने की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्री रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम आपको 5 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में लागू करके अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। सबसे पहले इस बात को तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप कई वैज्ञानिकों के उदाहरण सुने हुए हैं कि वो अपने काम में लगते थे तो दुनिया की हर बात को भूल जाते थे। आपके माइंड में 70 बातें एक साथ चलेंगी तो आपका माइंड कम काम करेगा, ये डेफिनेटली सी बात है। अब आइए जानते हैं पहली बात जो इस मामले में महत्वपूर्ण है, वो है 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी के मुताबिक वे लोग जो कम से कम 7 घंटे की नींद नियमित रूप से लेते हैं, उनकी याददाश्त ऐसा नहीं करने वालों की तुलना में बेहतर होती है। यानी कि जो लोग कम सोते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे लोगों को जो 7 घंटे की नींद लेते हैं। इसके अलावा ताज़ा हवा लें, खुले मैदान में जाकर ताज़ा हवा लेने से आपकी याददाश्त तेज हो सकती है। जर्नल लैंडस्केप एंड अर्बन प्लानिंग में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक वे लोग जो अक्सर खुले मैदान में जाकर अभ्यास करते हैं और खेलते हैं, साथ ही साथ कई गतिविधियां करते हैं, वे मेमोरी टेस्ट में घरों के भीतरी रहने वाले लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि आप अगर खुले में एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, घूमते हैं, स्वच्छ हवा लेते हैं, तो आपका दिमाग सही तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा एक बार में बहुत से कार्य नहीं करने चाहिए। मौजूदा दौर में प्रतिस्पर्धा सामान्य सी बात है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को एक साथ बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन यह हमारी याददाश्त को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। जब आपका ध्यान बढ़ जाता है तो आपके दिमाग को चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल होता जाता है। इसलिए जब एक कार्य को कर रहे हों तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग उसी कार्य में होना चाहिए, और ये तभी संभव है जबकि आप उस कार्य में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जब भी आपका लक्ष्य दूसरा होगा, कार्य दूसरा होगा, तो आपको एकाग्र होने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और आपके दिमाग में अगर 70 बातें चलेंगी तो आप उस कार्य को जो कि आपको मिला हुआ है उसको बेस्ट नहीं कर सकते, उसको निभा नहीं सकते, और इस वजह से आपका दिमाग सही तरीके से चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड रहेगा। या तो आपको जो कार्य पसंद नहीं है बिल्कुल करें ही नहीं, और अगर करना ही पड़ रहा है, आप टाइम दे ही रहे हैं उसको, तो 100% अपना दीजिए सिर्फ उस मोमेंट में उस कार्य को, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान लगाना सीखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप तनाव में होते हैं तो अपने मस्तिष्क को आराम दें, यह आपकी दिमागी गतिविधियों को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से ध्यान लगाना आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। दरअसल ऐसा करने से ध्यान से जुड़ा क्षेत्र मोटा हो जाता है, जिससे आपके मस्तिष्क की संरचना में बदलाव होता है और ये आपके लिए फायदेमंद हो जाता है।
क्योंकि आप अमूमन देखते हैं जब हाथ की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हाथ मजबूत हो जाता है, मसल्स बन जाते हैं, आपकी बॉडी बनने लग जाती है। ठीक वैसे ही जब मस्तिष्क के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो भी मजबूत बनता चला जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, नियमित रूप से वर्कआउट करें। जी हाँ, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं आपकी दूर होती हैं, विशेष करके हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं जो आपकी याददाश्त को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, तो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करता है एक्सरसाइज। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से कार्य करे। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि दिमाग को तेज बनाने से रिलेटेड रहा। बच्चों को भी बचपन से ही इन हैबिट्स को पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप पहले करते रहेंगे तो अपने साथ में बच्चों को भी इंस्पायर्ड करेंगे, उनके लिए आगे बहुत फायदेमंद रहेगा पूरे जीवन अगर वो ये नियम अपना लेते हैं। तो किसी भी नियम के लिए स्टार्ट करने में आपको मुश्किल होती है, लेकिन 20 दिन तक अगर आप मुश्किलों के साथ ही पालन कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट सफल बनाती है। यानी कि आदतों के वजह से ही और सोच की वजह से ही इंसान सफल और असफल होता है। सफल और असफल इंसान में इतनी सी फर्क होती है, सही डायरेक्शन का सोच होना और आपकी आदतें। अगर आदत सही नहीं होगी तो आप गलत कार्य करेंगे, सफल कैसे होंगे, और सही आदतें होंगी तो सही कार्य करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।